a simple straw and has two almost similar balloons hanging and they are almost equal. अब क्या करें? इसके अंदर एक prick कर देते हैं. तो ये फूट जाएगा. हाँ, एक वो भी तरी, वो भी एक एक्टिविटी है, वो जो कहते हैं ना, बीच में ब्लो करेंगे तो क्या होगा? So what is happening is, बीच में जब हमने फूंक मारी तो अंदर का प्रेशर कम हो गया. बर्नौली का सिद्धांत है, तो इसलिए दोनों बलून पास में आ गए. अब हम इसको फोड़ देते हैं. ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इसमें हवा है. सो इससे कह सकते हैं शायद इसमें हवा का वजन है. नाउ लेट्स रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट. इंस्टेड ऑफ बलून नाउ वी हैव दिस बैग, राइट? सेम, अभी तो दोनों में हवा नहीं है तो दोनों बराबर हैं. अब हम क्या करेंगे, एक जना पकड़ ले. एंड नाउ आई विल फिल दिस विद द एयर. ये एकदम बराबर है, ये दिखा दो. हाँ, ये दोनों की लंबाई बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है. एंड नाउ अब हम इसमें पूरी हवा भर देंगे. सो इन दिस केस, इवन विद दिस बलून फिल्ड अप, दे आर ऑलमोस्ट द सेम. इनफैक्ट ऐसे लग रहे कम है, बट शुरू में भी ऐसा ही था. और धागा भी एक्स्ट्रा, और थोड़ा धागा एक्स्ट्रा हो गया वो भी है. बट द पॉइंट इज दैट विद और विदाउट द वेट, दीज टू बैग्स आर एग्जैक्टली सेम. वेयर इज द बलून, दैट डिडंट हैपन. कोने पर कितना वजन था? जितना प्लास्टिक का वजन है. और इसमें कितना वजन है? जितना प्लास्टिक और हवा का वजन है. पर एक और चीज है, वो क्या है कि इस केस में इस पूरी प्लास्टिक में हवा भरी हुई है और इसके ऊपर अब थ्रस्ट लग रहा है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है. कितना अब थ्रस्ट लगेगा? जितनी वजन की हवा इस प्लास्टिक ने हटाई. इस केस में हम जीरो ही मान लेते हैं क्योंकि इसने कुछ ज्यादा हवा नहीं हटाई, बिल्कुल पतली सी सिकुड़ी हुई प्लास्टिक है. इस केस में कितनी हवा हटाई? जितनी हवा का वजन है उतना इसके ऊपर अब थ्रस्ट लगा. तो टोटल इसका वजन कितना हुआ? जितना इस प्लास्टिक का वजन है और जितना इस हवा का वजन है माइनस जितनी हवा इसने हटाई. कितनी हवा हटाई? जितनी हवा है. सो वो दोनों प्लस और माइनस होके जीरो हो गए. इसलिए इधर टोटल वजन सिर्फ प्लास्टिक का ही है और इधर भी सिर्फ प्लास्टिक का है. हां, अगर यही चीज हम कहीं और ले जाकर करते, मान लीजिए वैक्यूम में ले जाकर करते, तो निश्चित रूप से इसका वजन ज्यादा हो जाता क्योंकि अब थ्रस्ट जीरो हो गया. कितनी वजन की हवा हटाई? जीरो वजन की हवा हटाई क्योंकि हवा थी ही नहीं. या इसको हम मान लीजिए हीलियम में ले जाते तो क्या होता? ये कितनी हवा हटाते, कितनी वजन की हवा हटाते, कितने वजन की हीलियम हटाते? जितना इसका वॉल्यूम है टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हीलियम. एंड सिंस द डेंसिटी ऑफ हीलियम इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर, तो क्या होगा? अप थ्रस्ट कम होगा और हवा का वजन ज्यादा होगा. तो इसलिए ऐसे झुक जाएगा. तो अब सवाल यह उठता है कि गुब्बारे के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? गुब्बारे के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही था, एक्सेप्ट गुब्बारे के अंदर जो हवा की डेंसिटी है वो बाहर की हवा की डेंसिटी से ज्यादा है. क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर में हवा डाली है, यानी इतने ही वॉल्यूम में ज्यादा हवा है, ज्यादा मास है हवा का. द वॉल्यूम ऑफ दिस बलून टाइम्स द डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड, क्योंकि डेंसिटी अंदर की एयर की ज्यादा है और बाहर की कम है, इसलिए अब थ्रस्ट कम है. तो टोटल कितना हुआ इसका वजन? अंदर की डेंसिटी ऑफ द गैस माइनस बाहर की डेंसिटी ऑफ द गैस टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द बलून एंड प्लस द वेट ऑफ द बलून. वो तो इसके बराबर ही है. तो डिफरेंस कितना आया? अंदर की डेंसिटी माइनस बाहर की डेंसिटी. और क्योंकि हमें पता है कि अंदर की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि हमने ठूस ठूस कर हवा भरी है, प्रेशर में हवा भरी है, इसलिए इसका अप थ्रस्ट कम है और इसका वजन हमें दिखता है. इसीलिए ये साधारण बलून अगर हम हीलियम से भर दें तो अंदर की डेंसिटी कम हो जाएगी, या हाइड्रोजन बलून जो बनाते हैं, और बाहर की डेंसिटी ज्यादा है तो अप थ्रस्ट इतना होगा कि वो ऊपर उड़ जाएंगे. और कब तक ऊपर जाएंगे? जब तक बाहर की एयर की डेंसिटी और अंदर की बराबर ना हो जाए.